Hey beautiful people, welcome back to our channel. You're here with me, Sreet and Stevie K. Okay, today guys, we're watching Badshah and Bill Gates, Budget and More. Yeah, Just Breathe Sing stand-up comedy, guys. Haven't seen Just Breathe Sing stand-up comedy for a while, but when we did watch them, and when he did release them, they were quite funny, so it's been in time. But hey, that's quite a range. Badshah, Bill Gates, Budget and More. So the end should have been something with a B as well. Budget and Bagwas. No, he's not Bagwas. He is quite funny. Guys, if you're new to our channel, don't forget to like, share, subscribe. Also check out our other channel, which is cool. Our touch links will be in the description below. And do let us know if there's any other stand-up comedies, any other videos you guys want to react to. Send us links if you can, and we'll check them out. Kariye, here we go. Hello, dosto. Kya hal chal? ये जो वीडियो है ये ना कंपाइलेशन है शॉर्ट जोक्स का मेरे पिछले शो कोई लोड नहीं से जो कि पूरा एक घंटे का शो अमेज़न प्राइम पे अवेलेबल है पर ये वाले जोक्स उसका पार्ट नहीं बन पाए थे सोचा मैंने अलग से यूट्यूब पे डाल देता हूँ तब तक एंजॉय करो वीडियो सब लोगों को दुनिया के सबसे अमीर लोगों का पता है रिक्वायर्ड है एक्स्ट्रा जानवर के पढ़ाते हैं थर्ड लेकर आठवीं तक बार बार पूछते हर साल जीके में सेम क्वेश्चन हु इज द रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड मेरे टाइम पे आंसर था बिल गेट्स किसने ये नहीं बताया कि बिल गेट्स आदमी है औरत है दो लोग हैं एक लोग है कंपनी है क्या रट्टा मार लो बिल मेरा इतना सवाल है पढ़ा क्यों रहे हो बिल गेट्स दिन के करोड़ों कमाता है हम का मर रहे हैं जीके का आधा नंबर और ये घटिया सवाल घटिया स्कूल में ही आते हैं जहां बिल गेट्स की लड़की पढ़ती वहां नहीं पूछते रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड उसने लिख दिया डैडी बच्चे छेड़ रहे हैं हाँ फुकरी उसके बेंच पे लिख दिया बिल्ले की लड़की शो ऑफ है जहां अंबानी के बच्चे पढ़ते हैं वहां नहीं पूछते रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड उसने लिख दिया वेट एंड वॉच अगले साल फिर सेम क्वेश्चन उसने चौड़ में लिख दिया मुकेश अंबानी मैडम कहती बेटा ये तो गलत आंसर है कह रहा नहीं मैम आपको सिर्फ व्हाइट मनी का पता है व्हाइट मनी का पता तुम देखते हो ये फेसबुक इंस्टाग्राम यूज करते हो स्क्रॉल कर रहे होते हो अचानक से एक मीम आती है जिसमें सेंटर में लाइन बनी होती है इधर बना होता है मार्क ज़करबर्ग निक का टी-शर्ट में ये सब कूल सा आदमी अच्छा महंगा सूट पहना महंगे जूते खड़े बाल महंगी घड़ी लगाई हुई है इधर लिखा होता है ये फेसबुक का मालिक है और ये फेसबुक में काम करता है नीचे कैप्शन होती है द गोल इज टू बी रिच And not show look rich. Yeah. मैं कहा वो सुट्टा पीने निकला है. इसकी बहन की शादी है. So what's the point of having a lot and like being rich? और अच्छे कपड़े पहन में गिल्ट को डाल रहे हो. और हमने ये कब डिसाइड किया कि हमारा स्टाइल आइकॉन मार्क ज़करबर्ग है? चलो उसके बारे में आर्टिकल लिख रहे हैं. तो बता आर्टिकल छपते थे पहले. ज़करबर्ग और स्टीव जॉब्स जिंदगी भर अपने ऑफिस में सेम कलर के टी-शर्ट पहनते थे ब्लैक एंड ग्रे ताकि उनका तैयार में टाइम कम वेस्ट हो टाइम वेस्ट कम होगा प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करेगी बाकी चीजों पर ध्यान दे पाएंगे और वो वाला आर्टिकल पढ़ते मैं सिर्फ एक बार सोच रहा था कि हमारी बिरादरी क्या मैचिंग के चक्कर पीछे रह गई है क्या I wear the same kachol all day, every day. Madam, please. Same time. In terms of, कि उसमें कुछ चाहिए नहीं. मैंने सिंपल फंडा कह रहे यार देखो सीधे खड़े रहना आंखें बंद कर लो हाथ जोड़ लो चाहे ना जोड़ो चाहे नीचे बैठ जाओ चाहे चौकड़ी मार लो चाहे ऐसे कर लो तुम्हारी मर्जी बस फोकस एक ही है फोकस ये है कि आंखें बंद करनी है एक जगह पे फोकस करना है और दिमाग में सारे थॉट्स निकाल देने हैं मैं कहा बहुत ईजी है लेकिन एक छोटी सी दिक्कत है कि जब मैं इस पोजिशन में जाता हूँ ना मुझे थॉट्स आते हैं मुझे रैंडम बातें याद आ रही हैं मैं यूं करके खड़ा हूँ मैं ये सोच रहा हूँ मैं मेरे पीछे कोई खड़ा है क्या तुमने कभी सीधा खड़ा होने की कोशिश करी है तुम्हें लगता मैं हिल क्यों रहा हूँ धरती रेडी है क्या सिलेंडर भैंस फिर नहीं बुक किया सेकंड क्लास में रश्मि होती थी बड़ी सही लगती थी कच्चा भैंचो फिर फंस गया बादशाह क्या लिखता है so. मैं पूछ रहा हूँ क्या लिखी जा रहा है वो इतना गहरा लिखता ना बादशाह कई बार इतना गहरा अगर तुम्हें फील ना हो ना तो तुम इनसेंसिटिव लोग हो
अगर गालिब के बाद किसी ने मेरे को छुआ है ना बादशाह छुआ क्या भैंचो मोलेस्टी कर जाता एक दिन बादशाह भाई सुबह उठे प्रातः काल में कहते यार काफी दिनों से कोई शाराना आमद हुई नहीं कुछ गहरा लिखा नहीं क्योंकि कुछ सालों मैं मर जाऊंगा सारे इंसान मर जाएंगे धरती तबाह हो जाएगी कुछ सालों में नई सिविलाइजेशन आएगी वो जमीनें खोदेगी नीचे से मेरी किताब निकलेगी उस पे लिखा होगा इश्यो बॉय बादशाह दुनिया कंफ्यूज करे बंदे का नाम बादशाह यार इसका मेरे को लगता है ये पुराना महाराजा होगा ये कोई संत बनता है इनका ये कोई आम किताब नहीं है ये इनका कोई ग्रंथ है इसमें पक्का ज्ञान की बातें लिखी होंगी मैं कहता हूं इसको चप्पल उतार के पढ़ते हैं इसमें पक्का कोई ना कोई मैसेज है टू द मैनकाइंड टू ह्यूमैनिटी टू द एंटायर यूनिवर्स हाथ जोड़ लो सड़क लो आमीन जब से मैं होने लगा फेमस भाई बड़ा आदमी लग रहा है गहरी लाइन लिखी इस आदमी ने एक कबीर के दोहे और ये लाइन बहुत सी लगती है हाँ भाई भाई बहुत हार्ड जब से मैं होने लगा फेमस मुझसे जलने वालों की जलने लगी एनस पहले चप्पल पहनो बहन ये मैंने लिखा मेरे में टैलेंट है नहीं बिल्कुल ये बादशाह भाई लिखा है बाकी राइटर खुद होते दिल जान जिगर पे गाने लिखते थे बादशाह कहता नहीं उस पे लिखो चलने लगी एनस मैं कहा भाई तू बादशाह है बादशाह मसाला थोड़ी है बच्चे मन के सच्चे मेरी फैमिली में एक नोन है उनकी दो डॉटर्स हैं 4 साल 6 साल उनकी फैमिली में किसी का बेबी बॉय हुआ तो इन दोनों बच्चियों ने कभी नंगा बेबी बॉय देखा नहीं एक फैमिली फंक्शन में गए हुए थे तो इनके बच्चे ने हक दिया क्योंकि बच्चे यही तो करते उनका डायपर चेंज कर तो 4 साल वाली वही खड़ी इसमें देखिए वापस आके अपने घर वालों को कहती कह रही मम्मी हमें भी पाइप वाला बेबी चाहिए पाइप वाला हम 90s किड्स हैं मोहल्ले के चार बच्चे टॉकिंग अबाउट रैंडम शिट एक बच्चा कहता कह रहा मेरे घर में गेस्ट भी नहीं आया मैंने फिर भी पूरा ग्लास कैंपा कोला पिया तुम नोट छाप रहे हो दूसरा बच्चा कह रहा मैंने पहली बार मैगी खाई आयाशी हो रही है तीसरा बच्चा कह रहा देख मेरी बूमर में से टैटू निकला देन अ रिच किड केम कह रहा मेरे स्कूल वाले मेरे को सिंगापुर लेके जा रहे हैं सिंगापुर बचपन में जेलेसी भी नहीं होती थी क्योंकि जेलेसी के लिए पता होना चाहिए सिंगापुर पढ़ता था चौथी क्लास का बच्चा उसके पासपोर्ट पर ठप्पा लगा हुआ है मैं 24 साल तक डोमेस्टिक फ्लैट में लेके गया मेरे से एक बार किसी ने पूछ लिया कह रहा था डोमेस्टिक फ्लैट में पासपोर्ट क्यों लेके आता मैं कहा वो फुद्दू आदमी अबे एरोप्लेन के लिए चाहिए होता है समर कैंप वो जगह होती है जहाँ बहुत सारे बच्चे जाते हैं और एंड में किसी एक बच्चे को नई मम्मी मिलती है okay.
That was good. It was good that he just like put snippets of different, like, you know. Yeah. And why the names, why the words and stuff like that. It was like a bit of this, bit of that. Sometimes, why not just stick them all together, you know? You know, and like, you know, bit stuff that, yeah, that people haven't heard. And come to get the lucky question. So, he's good. I do like him. I'm looking forward if he can, hopefully, he could put some more on YouTube kind of thing that we can, you know, because obviously Amazon and stuff like that, I can't do GG unless we have to like chop. And we'll be Amazon again. You only could use this one, you could use that, or you could use this button. That was the video, guys. Let us know what you guys thought. Don't forget to like, share, subscribe, and we'll see you on the next one. Take care. See you soon. Bye. Bye.